क्या शानदार नज़ारा गैस देखिए। और ये सारी बिल्डिंग तो अंग्रेजों ने बनाई है बोला। बारिश में चमचमाती मुंबई सिटी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे कोनी वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको मुंबई दर्शन कराने वाला हूँ एक बहुत ही यूनिक डबल डेकर बस में। मुंबई दर्शन सिर्फ एक ही दिन में, अगर आप मुंबई आते हैं और आपके पास एक ही दिन है तो ये बस ले लीजिए आप, आपको बहुत अच्छे तरीके से टूर करा देगी। तो इस बस में सफ़र करने के क्या चार्जेस हैं और कैसा एक्सपीरियंस है इसका, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो टिकट आप अपनी यहाँ से बुक करा सकते हैं। ये शिवाजी महाराज का जो म्यूज़ियम है वहाँ से आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे जाके आपको गेटवे ऑफ इंडिया दिख जाएगा, उसके थोड़ा सा सीधा आके आपको एक फाउंटेन सा दिखेगा, वेलिंगटन फाउंटेन चॉइस का नाम है। यहाँ से अपनी टिकट बुक करा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से टिकट बुक करा सकते हैं। तो देखिए ओपन डेक बस साउथ मुंबई हेरिटेज टावर में ये सब इंक्लूड होगा। टॉप डेक व्यू से आप म्यूज़ियम क्लब NCPA रोड मैरीन ड्राइव गिरगांव चौपैती, फिर आगे से यू टर्न ले मैरीन ड्राइव चर्च गेट स्टेशन ओवल मैदान यूनिवर्सिटी रोड हाई कोर्ट, उसके बाद CSMT स्टेशन का बहुत शानदार व्यू देख पाएंगे, फाउंटेन होर्नी मैन सर्कल एशियाटिक लाइब्रेरी काला घोड़ा, फिर वापस आप यहीं पे आ जाएंगे। गाइडेड टूर की बात की जाए तो अपर डक के 250 रुपीज़ के चार्जेस हैं और लोअर डक के 100 रुपीज़ के चार्ज है। चाइल्ड बिलो 3 ईयर की फ्री टिकट है और जो ऊपर के हैं उनकी पूरी टिकट लेगी। फर्स्ट ट्रिप होगी 5 बजे से लेकर 6 बजे, सेकेंड होगी 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे, फिर थर्ड ट्रिप होगी 8 बजे से लेकर 9 बजे। और अगर आप विदाउट गाइड टूर लेना चाहते हैं तो उसकी 180 रुपये पर वीकडेज के चार्जेस होंगे। एडवांस बुकिंग आप इस नंबर पर जाके कर सकते हैं। इस तरीके से बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है जो कर पाएंगे आप यहाँ पे। तो ये जो ओपन डेक बस टूर है मुंबई का, ये आप 4 अक्टूबर 2023 तक ही कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद इन डबल डेकर सिटी टूर बसेस को भी रिटायर कर दिया जाएगा मुंबई से। पर हो सकता है ये आने वाले टाइम में एक न्यू बस से चालू हो, और उसकी जानकारी आप इनके व्हाट्सएप से पता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैंने पहले मेंशन किया हुआ था। बाकी और भी सिटी टूर बसेज हैं जो चलती हैं मुंबई में, उसकी जानकारी आप CSMT रेलवे स्टेशन के पास जाके पता कर सकते हैं। तो ये जो बस है ये साइट सीइंग बस है, ये ऐसी बस नहीं कि आप कहीं रुक के मतलब अच्छे से एक्सपीरियंस करें, ऐसी वाली बस नहीं है ये, आपको पूरा मुंबई का अच्छा सा टूर करा देंगे। आप देख सकते हैं अभी बारिश हो रही है, तो बारिश के टाइम अगर आपको ये कैंसिल वगैरह नहीं करेंगे, मुंबई में क्या होता है कि बारिश एकदम से आते फिर एकदम चली जाती है। बाकी नीचे अगर आप लेंगे तो नीचे भी बैठ सकते हैं, जो सीट है उसी पे बैठना होगा आपको। हमारा ये टूर शुरू हो गया, ये गाइडेड टूर होता है एक नॉन गाइडेड टूर होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे गेट वे ऑफ इंडिया, ऐसे थोड़ा थोड़ा पॉज भी करती है कि अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सके आप। टिकटे पे भी कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं, फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। ताज होटल, देखिए ताज होटल की एंट्री इस तरफ से है, बट हम बस देख ही सकते हैं। और रात का एक अलग व्यू होता है, आप रात की भी बस ले सकते हैं। बाकी जितने भी यहाँ पे लोग हैं सारे घूर ही जा रहे हैं इस वाली बस को, जिस वाली बस पे हम बैठे हुए हैं। तो देखिए ओपन एयर डबल डेकर बस में काफ़ी सीट्स हैं ऊपर की तरफ, आई थिंक 40 लोग हैं जो ऊपर बैठ सकते हैं। इसके अलावा नीचे भी है, नीचे भी चाहें तो बैठ सकते हैं। मान लो जैसे तेज़ बारिश हो रही है या वैसे ही आपको एक्सपीरियंस करना है मुंबई घूमने का, तो नीचे की जो सीट है उसका प्राइस थोड़ा कम है, और गाइडेड टूर का अलग प्राइस है, नॉन गाइडेड टूर का अलग प्राइस है। देखिए यहाँ से एंट्री होगी और अपनी टिकट आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं, ऑफलाइन भी बुक करा सकते हैं। इधर अभी जस्ट हम निकले ही हैं और आई थिंक 5-10 मिनट के लिए यहाँ पे रुकी है, शायद जो पहला स्टॉप होता है गेटवे ऑफ इंडिया का वहाँ पे काफ़ी देर रुकती है। ये देखिए डबल डेकर बस है, बाकी सिटीज़ में आपको ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इधर से आप ऊपर आके ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा आगे की तरफ हम आए हैं और इस तरफ को टर्न ले रहे हैं, तो ये वाला नॉन गाइडेड टूर हमने लिया है। देखिए समुद्र पीछे की तरफ है, शायद अभी फिर से आएगा समुद्र, है ना। सीट पे जाने के लिए क्या है, देखिए ऊपर से अभी पत्ता बनाकर को बड़ी तेज, तो ये चीज़ें हैं जो इनका ध्यान रखना पड़ेगा। भैया कह रहे हैं अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे चलते हैं। ये हमने सबसे आगे की सीट लिया, देखिए इधर यहाँ शीशा लगा हुआ, एक
काफ़ी बड़ा पार्क है, यहाँ पे शायद क्रिकेट खेलते हैं लोग, पिचेस वगैरह बनी हुई हैं। बाकी मुंबई की आप ये वाली बस देख रहे हैं, ये रिसेंटली कुछ महीने पहले शुरू हुई थी और एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। ये सरकारी बस है, इलेक्ट्रिक बस है, डबल डेकर बस, और सारा का सारा एसी है ये वाली। इसके अंदर भी आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो है ये पूरा सिटी टूर कराएगी। वो सिटी टूर मतलब उसमें थोड़ा अलग टाइप का एक्सपीरियंस होगा और इसमें थोड़ा अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। ये पुराने टाइप की भी डबल डेकर बस होती थी पहले, चलती थी, वो बंद हो चुकी है। लेकिन ये नई वाली इलेक्ट्रिक वाली बस है, ये जैन में अगर मैं ठीक हूँ तो फैब जैन के आसपास ही बंद की। देखिए ध्यान से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बचता है पेड़ ऊपर। देखिए कितनी ज़्यादा ये डबल डेकर बस है, रेड डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। अरे एसी है, काफ़ी अच्छा है। इस तरीके की बाकी टैक्सी हैं जो चलती हैं मुंबई में। तो गाइस अब आ रहे हैं मैरिन ड्राइव, तो ये मुंबई के काफ़ी सीनिक लोकेशंस में से एक है। सारा समुद्र देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। इधर की रोड ज़्यादा खुली हैं, देखिए इस तरीके का एरिया है। देखिए कैसे ये पेड़ बचते हैं, फिर से आ रहा पेड़, फिर से बजेगा, देखो कैसे बजेगा ये पेड़। ओए कैमरा खराब हो गया ओए, और इतना बड़ा। ये शाम और ढलने ही वाली है और कितने ज्यादा लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आए हैं मरीन ड्राइव पे। अलग अलग तरीके का व्यू है आपको देखने को मिलेगा मुंबई सिटी में। हमारा दिल्ली में भी एक ऐसी बस आ रही थी है, ऑलरेडी है। अच्छा चलती है क्या? तो उधर भी आप ऐसा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस अगर होता है दिल्ली में तो उसका बताऊँगा, शेयर करूँगा आपके साथ। आगे आ रहा है वानखेड़े स्टेडियम, तो यहाँ पर पता होगा कि 2011 का जो वर्ल्ड कप फाइनल है यहाँ पर खेला गया था, और बाकी क्रिकेट मैचेस भी यहाँ पर खेले जाते हैं। हमारा ये जो टूर है ये होगा ठीक एक घंटे का, सारे मेजर स्पॉट्स आपको मुंबई के देखने को मिल जाएंगे। एक एरिया सा आ जाता है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिले, फिर एक एरिया सा आ जाता है जहाँ बहुत कम छोटी बिल्डिंग देखने को मिले। ये स्टेडियम लाइट देख रहे हैं आप, ये वानखेड़े स्टेडियम की स्टेडियम लाइट्स हैं, और इसके नीचे मतलब वानखेड़े स्टेडियम है, चार ऐसी स्टेडियम लाइट्स लगी हुई हैं। थोड़ा सा दिखा होगा आपको, ये देखिए ये रहा सामने वानखेड़े स्टेडियम। अंदर अगर कोई मैच होता है आईपीएल या इंडिया का तो वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। इधर देखिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क है जो मरीन ड्राइव का चल भी रहा है, और ये मरीन ड्राइव जो है ये और बढ़िया पहले से हो जाएगी। शायद कुछ अलग डाला जा रहा है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी पोर्शन ऐसा है मरीन ड्राइव का जो रेडी है जहाँ पे आप चल फिर सकते हैं। शायद ये पहले इधर का कहेंगे फिर उधर का करेंगे। गाइडेड टूर का भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वो मतलब एक माइक लेके आपको सब कुछ समझाएंगे, और एक रात का जो व्यू है वो भी एक अलग व्यू होता है। ऊपर बैठेंगे तब अलग व्यू मिलेगा, नीचे बैठेंगे तो एक अलग व्यू मिलेगा, लेकिन ऊपर बैठ के रात का व्यू वो तो मज़ेदार से मज़ेदार होगा। ऊपर से गाइडेड बेस्ट। कितना हरा भरा मुंबई है, शायद यहाँ पे क्रिकेट के पिचेस वगैरह हैं जहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं क्रिकेटर्स। ये काम चल रहा है और थोड़ा ट्रैफिक जाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, कैसा सा ट्रैफिक जाम है। ये भी कोई टाइप की पिच सी लग रही है, इधर यहाँ पे इवेंट्स वगैरह भी किए जाते हैं शायद। अभी मैरिन ड्राइव की तरफ से थोड़ा सा आगे आके फिर हमने यू टर्न सा ले लिया है, देखते हैं किस तरफ हमें ये बस लेके चलते हैं। ये देखिए एक एक्वेरियम भी आया है, तप और वेला एक्वेरियम महाराष्ट्र। तो ऐसी बहुत ज़्यादा म्यूजियम्स हैं जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, साइंस म्यूज़ियम है यहाँ पे, और नेहरू साइंस सेंटर है, बहुत बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा नेहरू म्यूज़ियम है। लेकिन उधर ना क्या है कि आपको एक दिन लग ही जाएगा, 5 बजे तक खुला था, तो वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। इसके अलावा बात की जाए तो ज़ू भी है जो आप यहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं बायकला में। वेडनेसडे को बंद होता है, उस चीज़ का ध्यान रखें बस आप।
और 5 बजे से पहले पहले बंद हो जाता है। बहुत जगह घूमने की हैं मुंबई में, आप समझ लें 70-80 जगह होंगी जो मुंबई में आप घूम सकते हैं। अब रात का टाइम हो गया, लाइटिंग यहाँ पर शुरू कर दी गई है। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये शायद एयर इंडिया के हेडक्वार्टर्स हैं, वह एयर इंडिया का लोगो लगा हुआ है। और मुंबई का मौसम ऐसा है कि कभी बारिश एकदम से आ जाती है, कभी एकदम से रुक जाती है, कभी एकदम से धूप आ जाती है, तो अनप्रडिक्टेबल वेदर है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो आएगी बारिश फिर रुक भी जाएगी बहुत जल्दी से। अब फाइनली हमारी बस ने टर्न ले लिया है, इधर आप देख सकते हैं वानखेड़े स्टेडियम के पास से टर्न ले लिया गया है। इधर ये वानखेड़े स्टेडियम की स्टेडियम लाइट, पीछे वानखेड़े स्टेडियम है। अब आगे आ रहे हैं चर्च गेट, बिल्डिंग एक है इस पर लिखा है चर्च गेट, ये देखिए चर्च गेट। ये रेलवे स्टेशन है या? अच्छा रेलवे स्टेशन है ये। और दूसरी तरफ आप जाएंगे तो CSMT का लास्ट स्टेशन होगा, ये चर्च गेट स्टेशन है। ये सारी बिल्डिंग तो अंग्रेजों ने बनाई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी क्या बिल्डिंग? ये शायद चर्च गेट ही लग रहा है मेरे को, चर्च लग रहा है तो मुझे। हाँ, चर्च ही लग रहा है, मतलब सारी अंग्रेजों ने बनाई थी। तो इधर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे लोग वॉकिंग कर रहे हैं, अभी पानी भरा हुआ है। तो ये जो टूर है बेसिकली साउथ मुंबई का टूर है, पूरा फुल मुंबई का टूर नहीं, फुल मुंबई के टूर में आप अलग बसेस वगैरह से करा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके प्राइस वाइज के हिसाब से ये काफ़ी जगह फिर भी घुमाते हैं साउथ मुंबई के अंदर, CSMT से लेके चर्च गेट, उसके बाद फिर मरीन ड्राइव। ये तो मुंबई का पिक पेन है, घंटा लगी एक्सपीरियंस कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा, फर्स्ट टाइम कर रहे हो ऐसा? फर्स्ट टाइम। कहाँ से? मुंबई से ही हूँ। मुंबई से, लेकिन ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस करना था। ओके, तो देख सकते हैं मुंबई के लोकल लोग या बाहर से आए हो, सब लोग आते हैं इस यूनिक डबल डेकर बस का एक्सपीरियंस करने। इधर यहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, आई थिंक खेल रहे हो गोल। अभी एक्चुअली मुंबई रश आवर टाइम है। इधर ही आगे है डच बैंक और आगे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन आ गया है। और लाइटिंग देख सकते हैं कितनी कमाल की है। ये जो बस है ये रात के टाइम ही चलती है, मतलब थोड़ा शाम के टाइम ही चलती है, और फर्स्ट स्लॉट ही इसका ऐसा है बस बस आगे जाने वाले हम। ये एंगल से लग रहा था लंदन में लेकिन आए मुंबई। क्या शानदार नज़ारा गैस देखिए, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे सारे। ये एक्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है ये और लाइटिंग भी बहुत अच्छी है यहाँ की। इस बिल्डिंग के इस तरफ भी एक यूनिक लाइटिंग देखने को मिलेगी और इधर एक और बिल्डिंग है, इस पर एक्चुअली ब्लू लाइट्स चलती हैं, अभी चालू नहीं हुई, और इधर भी लाइटिंग चलती है। ये सारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के आसपास का एरिया है। अभी थोड़ा सा आ गया और बारिश शुरू हो गई, अब यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। फाउंटेन देखिए कितना बढ़िया है, ये वाला कितना शानदार फाउंटेन है लगा, ये देखिए भी।
आगे हैं यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है। बारिश शुरू होगी काफ़ी तेज यहाँ। ये SBI की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है व्हाइट हाउस की बिल्डिंग है ना, लेकिन ये स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी टाउन हॉल है। ये वाली बिल्डिंग जो देख रहे हैं सामने आप, ये सामने वाली बिल्डिंग सेंट्रल लाइब्रेरी है गाइस। सॉरी छाता खोल लिया तुमने, क्या बात है यार, वो फंस ना जाए कहीं, ऐसा डर है। बारिश हो रही है आपको फिर भी दिखा रहे हैं व्यू यहाँ का। द एशियाटिक सोसाइटी मुंबई 1804 स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी टाउन हॉल। और ये चल पड़ी हमारी बस। लाइटिंग ये पूरी इंडिया की लाइट जैसी लगाई हुई है। और अब बस वापस जा रहे हैं हम वहीं पर, एक काला घोड़ा स्टैचू भी आएगा आगे। तो भाई साहब गली ऊपर आ गए, पैसे भी ज़्यादा थी, बारिश नहीं भीग रहे हैं। कितनी तेज बारिश हो रही है, सब भीगे भीगे हो गए यहाँ। ये मुंबई है मेरे यहाँ। ओए इधर करो ओए, क्या बताऊं भाई, सब भीग गए हैं यहाँ पे, सब भीग गए, सब भीग गए, भीग चुके हैं मेरे पीछे देखो, सब भाग रहे हैं, बच गए हैं भाई हम सब। नीचे की तरफ चले गए हैं, नीचे चले, हम नीचे की तरफ आ गए हैं। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी ऊपर की तरफ, तो इसलिए नीचे भी आ सकते हैं ऐसे। देखिए इधर साइड से एरिया है, ऊपर से हम आए थे, आगे की तरफ से नहीं पीछे की तरफ से ही रास्ता है, यहाँ से आप आ सकते हैं नीचे। ये नीचे आ रहे हैं, सब भीगे भीगे। ऑलमोस्ट हमारा जो टूर था वो कंप्लीट हो ही गया था। तो गाइस वैसे अलग अलग टाइप की बसेज होती है, कोई बहुत लंबी देर भी आपको मुंबई बहुत अच्छे से घुमा सकती हैं। नॉन एसी होती है, एसी होती है, इसके अलावा कुछ ऐसी होती है ओपन डबल डेकर बस जिसमें मैंने आपको सफ़र कराया। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है जो कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे आप कर सकते हैं। कई अलग टाइप के टूर ट्रैवल वाले हैं जो यहाँ पे फुल मुंबई का टूर देते हैं, कोई सिर्फ साउथ मुंबई का देता है। तो CST का जो स्टेशन है ना, वहाँ पे आपको कई ऐसे मतलब पेपर के साथ मतलब मिल जाएंगे जो बंदे आप समझा देंगे कि आपको